दरअसल पिछले साल दिल्ली में कुछ जर्नलिस्ट हम लोग 10-12 इकट्ठा हुए और ऐसी बातचीत चल रही थी कि देश भर में जर्नलिस्ट पे हमले हो रहे हैं, खासकर कर्नाटक में गौरी लंकेश का मर्डर हुआ और उसके बाद शुजात बुखारी की कश्मीर में हत्या हुई। तो ये एक सिलसिलेवार पत्रकारों पर हमले और उनको मारा जाना, उन पर मुकदमे होना, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, मतलब खासकर सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काम करते हैं डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें और जर्नलिस्ट के बीच में जो कि वास्तव में जर्नलिज्म कर रहे हैं और इन द साइन ऑफ ड्यूटी जिन पर अटैक्स हो रहे हैं, उनमें एक किस्म का रिश्ता बने, एक ऐसा रिश्ता बने कि कल किसी पत्रकार पर हमला हो तो एक्टिविस्ट भी आए उनके विरोध में और किसी एक्टिविस्ट को कोई अत्याचार किया जाए तो पत्रकार भी खड़े हों। ये बहुत क्लियर था हमारे दिमाग में कि जो कॉर्पोरेट मीडियम है, जो कॉर्पोरेट फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या अखबार हैं, वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के किसी कोलिशन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो नॉन कॉर्पोरेट हैं, जो जनता के चंदे से या कहीं फंडिंग से चलने वाले हैं, क्राउड फंडिंग से, वो वैसे ही लोग आएंगे क्योंकि वैसे ही लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। जो बड़े बैनर वाले चैनल्स हैं उन पर हमले भी नहीं होते हैं उस तरीके से, बहुत रेयर हैं और उनके लिए बोलने वाले बहुत लोग हैं। और 2010 जनवरी से लेके 2018 तक, मतलब हमने ये प्रोसेस शुरू किया है जुलाई अगस्त के आसपास, तो मतलब जब तक हुआ तब तक 8 साल में देश भर में, पूरे भारत में कितने हमले हुए, मर्डर्स कितने हुए, इंटिमिडेशन क्या है, नॉट लाइक ए सेमिनार, वो ऑलमोस्ट एक टेस्टिमोनियल थेरेपी इसको बोलते हैं या आप ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, उस शक्ल में था। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम 2 दिन का डिवाइस किया, नेशनल सेमिनार, तो उसको नाम दिया गया नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट अटैक ऑन जर्नलिस्ट। और ये 2 दिन का पूरा नेशनल कन्वेंशन था जिसमें हमने केरला से लेके और जम्मू कश्मीर तक तमाम किस्म के पत्रकारों को संपर्क किया, जो मारे गए थे उनकी फैमिली से संपर्क किया, जाहिर है उसमें कुछ सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट भी रहे जैसे रवीश कुमार जो ग्रोर होते हैं या पुण्यकुसुम वाजपेयी जिनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जिनको कोई नहीं जानता, जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर के बहुत इंटीरियर से कुछ, बल्कि किसी दिल्ली से गए जर्नलिस्ट को मदद की खबर करने में, इस आरोप में उनको माओइस्ट कह के डाल दिया गया जेलों में और 2 साल वो जेल में रहे। उसको सेशन वाइज डॉक्यूमेंट किया गया किसने क्या कहा, कौन सी बातें सामने आई, ताकि देश भर में उस किताब को हम फैलाएं और बताएं कि देखो ये 9 साल में देश भर में कितने हमले पत्रकारों पर हुए, कितने किस्म के हुए, एक डॉक्यूमेंट रहेगा। तो सीपीजे के साथ आने में एक ये फायदा होता है कि आपकी जो आवाज यहाँ उठती है, जो हम बात करते हैं, कोई पत्रकार किसी छोटे कस्बे से आता है, वो बात साउथ एशिया के लेवल पे पहुंच सकती है। तो सीपीजे इज बेसिकली अ लाउड स्पीकर। ये सब बातचीत करते हुए सीपीजे से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्यों ना हम जर्नलिस्ट सेफ्टी एक्ट पर बात करें हर स्टेट में जाके। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक बड़ा ना सही, हमारी उतने रिसोर्सेज नहीं है, पंजाब में उतने लोगों को हम जानते भी नहीं है, फिर भी एक ऐसे पॉइंट पर चंडीगढ़ में सेमिनार कर लें जिसमें कम से कम ये बात जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में, स्टूडेंट्स में और सिविल सोसाइटी में ये बात फ्लोट करते हैं कि एक जर्नलिस्ट सेफ्टी एक्ट की जरूरत है क्या इस देश में, कोई ऐसा एक्ट जिससे कि जर्नलिस्ट पर हमला हो तो उस एक्ट के तहत कवर हो, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो 17 साल में इंसाफ में दे, 6 महीने सालों में काम हो जाए। अभी आपके पास वो बुकलेट पहुंच गई है, ये है अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट जनवरी 2010 से जून 2018 तक की, हाँ, मर्डर फैब्रिकेटेड केसेस एंड थ्रेट्स, ये 3 कैटेगरीज हैं और इसमें पूरा डेटाबेस है, मतलब अभी तक का मुझे लगता है कि अपडेटेड है, शायद एक आध में कोई डेवलपमेंट अगर हुआ हो तो नहीं कह सकते। अंशुल छत्रपति सिर्फ अपने आप की अंशुल छत्रपति की यही पहचान ही है कि वो रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने, बल्कि जो अभी अंशुल छत्रपति को देखते हैं तो जो छोटे अखबार ने छत्रपति ने जो लड़ाई शुरू की थी, एक पखंडी डेरा
सच्चा सौदा के मुखी को एक्सपोज करने लिए उन्होंने जो अपनी कलम चुकी वो लड़ाई एक बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ सी। अखबार कदे छोटा नहीं होता और पत्रकार भी कदे छोटा नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि दिल्ली के मेन स्ट्रीम मीडिया के बैठे वड़े वड़े चैनलों के एंकर ही वड़े पत्रकार होंगे। कई बार छोटे जे शहर के छोटे जे अखबार का पत्रकार जिहड़ा वो इन्ना वड्डा तबाका कर दिंदा है जो वड़े वड़े चैनलों वाले वड़े वड़े मीडिया हाउसिस वाले भी नहीं कर पाए। वो छत्रपति ने कर विखाया। मैं निजी तौर पर नहीं पता कि पत्रकारी के तजर्बा रहा, लेकिन एक चीज़ मैं देखी है जो डॉक्टर तेजवंत गिल देश के संपादक सन, देश के पहुँचता पहुँचता ट्रिब्यून के नेड़े तेड़े हो गया थी। तो देश के एक वक्री तरह की वक्रे मुहावरे वाली साहित्यक शब्दावली भी देखने को मिली। इन्हों कई संपादकियां 2003 के देश के छड़िया मेरे अजे भी याद नहीं। एक निकी जी गल का बड़ा मतलब इन्नी वहशत प्रधानमंत्री का खेल का भेख है जो सब तुम याद है संपर्क की है बहुत साल जेल के रहा जेल के उसने प्रिजन डायरी लिखी जी हूँ जो कि सारे कम्युनिस्ट निज़ाम खत्म हो चुके अपने अमरीका यूनिवर्सिटियों भी और यूरोप यूनिवर्सिटियों भी यह समझा जाता कि जे कोई प्रो पीपल लोगों के हक की आवाज़ लोगों के हक की कोई पॉलिसी चलाई जा सकती है तो उस लिखत तो बहुत सेव की जा सकती। इसका सिर्फ समाजिक कर्तव्य नहीं इस चिट्ठी संभलता, इसका पत्रकारी भी एक जिम्मेवारी बन गई है। सो जो असी वह चिट्ठी छापी से सिर्फ इस करके ही नहीं सी छापी कि वो बलात्कार सगों इस करके भी छापी सी कि जो इस तरह का हुआ उस जो घिनौना पक्ष है वह इसके सामने होना चाहिए क्योंकि उस वक्त मनिया जाता सी कि जो धर्म है धर्म स्थान ने जो उन्होंने इन्नी मार्केटिंग नहीं हुई जिनी कि अच्छ हो वोट बैंक की राजनीति चो खड़े हुए हैं सारे डेरे। तो मैं तुम्हें इसका एक छोटा जा कि किसी ने नेड़े होकर देखना हो मैं एक चाके लिया इतने उन्होंने दिनों 2007 का मैगजीन छपया फ्रंट पर है आ डेरा बाबा बैठा अपनी गद्दी पर बादल साहब से वह लड़का दोनों हाथ जोड़ के अगे खड़े है ये सारे सारे उन्होंने दिनों 2007 छपे रहे हैं इन्नी पावरफुल बने से सरसे चलते तो खुद पता ही है कि पावरफुल है ये जे पंजाबी पढ़ने वाले सारे देख लेंगे अमरिंदर बादल पठन समेत उगे सियासी आगू डेरा सच्चा सौदा पूजे आ सारे दिया फोटो है सारे वे बैठे है तो यह 2007 का पेपर है तो सच कहूँ वह अपना पेपर से किसी ने रिफ्यूट नहीं किया सारा कुछ इस तरीके एडे वे पावरफुल बंदे के अगे तो बड़ी दलेरी की गल है भी वो बारे चिट्ठी छाप देनी उसे सरसे च बैठ के छाप देनी अखबार ये कोई छोटी गल नहीं है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र के एक बड़ा साधु और एक साध्वी डेरा छोड़कर चले गए। आप सारा लेटर आपने पढ़ा होगा शायद। कहीं कोई आइडेंटिफाई नहीं होता कि किसने ये लेटर डाला, लेकिन उसमें एक साधु और एक साध्वी कुरुक्षेत्र का जिक्र है। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि कोई वो कितनी साध्वियां थी वहां कुरुक्षेत्र की, वो कहती दीदी मैं ही थी। तो फिर वो हमारे से क्लोज हुई, उसने कहा कि मेरे ब्रदर का मर्डर ये डेरे वाले ने कराया, हालांकि उसके फादर ने साध्वी के फादर ने रणजीत की हत्या का जो शक था वो गांव के किसी सरपंच पे लगाया था। संगठन धार्मिक सामाजिक पॉलिटिकल पार्टीज और पत्रकार सभी ने श्रद्धांजलि दी और ये कहा कसम खाई कि हम CBI की मांग इस डेरे के खिलाफ होनी चाहिए। जैसे हम सिरसा गए, डेरे में भी गए, इधर उधर गए, जो फैक्ट्स थे वो कलेक्ट किए। ये चार पेज का हालात बता रहे हैं कि खुद डेरे के मुखिया ने कराए हैं ये हत्याकांड।
चार पेज का हमने सारे हरियाणा में बांटा था पंपलेट। उस टाइम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कानून में ये है कि अगर वो है तो वो कॉन्स्पिरेसी में है, जो भी है डायरेक्ट टाइम भी हो तो वो मर्डर में कोई भी अपराध है उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर भी सजा होती है। जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो महिलाएं लड़कियां, जो साइंटिफिक सोच के लोग हैं, जो वोट पॉलिटिक्स के पीछे नहीं भाग रहे या किसी तरह का कोई और दूसरे स्वार्थ नहीं है, अगर वो लोग हैं तो उसमें स्ट्रगल में जीत होती है। सच्चाई को एस्टेब्लिश करने के लिए भी फोर्स चाहिए। बहुत सच्चाइयां दब के रह जाती हैं, ये नहीं है कि भी अगर वो इस तरह से फाइट ना किया जाता तो ये दब भी सकता है। कॉर्पोरेट हावी है निश्चित रूप से पत्रकारिता पर। पत्रकारिता इस समय पूरी तरह कॉर्पोरेट के हाथ में है। जितने चैनल्स हैं वो मतलब आज स्थिति हो गई है कि खुद को पत्रकार कहने में भी शर्म आती है। लोग समझते हैं पत्रकार का पर्यायवाची धीरे धीरे दलाल होता जा रहा है। पत्रकारिता में जो लोग आए हैं आप देख लीजिए, अपने दिमाग में दौड़ा लीजिए पत्रकारों को, कोई कॉर्पोरेट घरानों की जो औलाद है वो नहीं पत्रकारिता में है। पत्रकारिता में तो मध्यवर्ग का ही आदमी ज्यादा है और पत्रकारिता पूरी तरह से मध्यवर्ग के या आम आदमी के खिलाफ काम कर रही है। इसके लिए शायद हम लोग जिम्मेदार हैं जो ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात करते थे या पत्रकारिता को बेहतर बनाने के लिए, पत्रकारिता को जनपक्षीय बनाने की बात करते हैं। पूरे सिस्टम में जो पूरे स्ट्रक्चर में जो वायलेंस है, स्ट्रक्चर वायलेंस जो है, इसको जब तक हम नहीं खत्म करेंगे या इसको खत्म करने के लिए जब तक हम नहीं कोई संघर्ष करेंगे या कोई रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज भी खत्म नहीं होगी जो समस्या है। स्ट्रक्चर वायलेंस कैसे है, अब देखिए कॉर्पोरेट घराने हैं जो पूरी तरह से मीडिया पर काबिज है, लेकिन मीडिया पर ही क्यों, हमारे पूरे सिस्टम पर काबिज है। अभी ये 16वीं लोकसभा है जो कुछ दिनों में भंग होगी, 14वीं लोकसभा में करोड़पति सांसदों के का परसेंटेज 50% था, 15वीं लोकसभा में 70% हुआ और यह जो 16वीं लोकसभा है इसमें 82% से ज्यादा वे सांसद है जो करोड़पति। अब ये लोग कानून बनाते हैं तो जब करोड़पति सांसदों की संख्या 85% के करीब होगी तो ये कानून किसके हित में बनाएंगे। उस धरने का आयोजन इसलिए था कि किस्टा गौड़ और भूमैया नामक दो किसान थे आंध्र प्रदेश के आदिवासी, उनको फांसी की सजा हुई थी, उन पर आरोप था कि उन्होंने किसी जमींदार की हत्या कर दी है, वो नक्सलाइट थे। तो किस्टा गौड़ और भूमैया की रिहाई की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और हम सब लोग बैठे हुए। फिर एक डेलीगेशन गया, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अलिया, वह डेलीगेशन गया राष्ट्रपति के पास ये पिटीशन लेकर के कि किस्टा गौड़ भूमैया को आप क्षमादान दे दीजिए, और उन्होंने उन लोगों को फंसाया गया है, वो किसानों के नेता थे इसलिए उन पर हत्या का आरोप लगा करके फंसाया गया है। और इसके लिए हम लोगों ने जो दलील दी थी कि कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी लखनऊ में, शमीम रहमानी एक महिला थी, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था किसी डॉक्टर गौतम से और उन्होंने डॉक्टर गौतम की हत्या कर दी थी शमीम रहमानी ने, तो शमीम रहमानी को फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन राष्ट्रपति ने उस सजा को माफ कर दिया था। तो यही उदाहरण दिया है कि अभी अभी आपने शमीम रहमानी की सजा को माफ किया है तो किसका गौर और भूमैया की सजा को भी माफ कर दीजिए। यह उदाहरण देते ही राष्ट्रपति गुस्से से आप बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कैसे शमीम रहमानी से इन आदिवासियों की तुलना कर दी, वह तो एक खानदानी लड़की है, उससे गलती हो गई, ये तो जरायम पेशा लोग नहीं है, इनका तो काम ही है हत्या करना। यह सोच है देश के राष्ट्रपति
इस सिस्टम ने एक एक समय यह माहौल तैयार किया कि अपराधियों को गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर के पक्ष में फाल्स एनकाउंटर के फर्जी मुठभेड़ के पक्ष में पूरे मीडिया ने एक माहौल तैयार किया और आम लोग भी कहने लगे कि हाँ आप जेल में रख करके खाना खिलाने से क्या फायदा, पकड़ो गोली मार दो। अगर यह हो जाए तो आप सोचिए कि समाज कहाँ जाएगा कि पकड़ो और गोली मार दो, कोई न्यायपालिका नहीं, कोई आप न्यायपालिका को नहीं सुधारेंगे, आप अपने जुडिशियल सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, आप कहेंगे पकड़ो और गोली मार दो। लेकिन उस समय केपीएस गिल ने जितने भी मानव अधिकार संगठन थे उनके खिलाफ खूब जहर उगला, कहा कि ये मानव अधिकार संगठनों की वजह से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ट्रेन से कट के जान देंगे। चलिए केपीएस गिल ने तो कहा, आप हैरान हो गए कि तमाम एडिटोरियल्स इसी लाइन पर थे और सब मानव अधिकार संगठनों को कोस रहे थे कि उनकी वजह से संधु मतलब जसवंत सिंह खालरा और उनकी कुर्बानी सब भूल गए और सब संधु के पक्ष में हो गए। और अडवाणी ने जो उस समय गृह मंत्री थे, 98 में जब गृह मंत्री थे, तब अडवाणी ने ये कहा कि जिन 700 पंजाब पुलिस कर्मियों पर मानव अधिकार के उल्लंघन का केस है उसको खत्म कर लिया, विड्रा कर लिया जाएगा। तो ये मतलब पूरा सिस्टम ही जो है आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ यानी जनता के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सारा मुद्दा ये है, हम पत्रकार भी तो आम आदमी, पत्रकार कोई किसी दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आया, किसी आम आदमी में से ही तो हम पत्रकारिता करते हैं कि जब तक हम जन आंदोलन की ताकतों के साथ पत्रकारिता को घनिष्ठ रूप से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम ना तो इस हालात को बदल सकते हैं और ना अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं और जो पत्रकार साथी नहीं हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जनता के पक्ष में आवाज उठाने वाली मुहिम में जितनी ही शिद्दत से तालमेल करेंगे उतनी ही ताकत के साथ हम जनता के पक्ष में।